तो अपनी ट्रिप शुरू हो चुकी है और हम जा रहे हैं जैसलमेर। बीकानेर पहुंचने वाले हैं, 9 किलोमीटर रह गए हैं बीकानेर। और जैसे कि आप देख सकते हैं जैसलमेर अभी भी 350 किलोमीटर रहता है, अराउंड 6 घंटे का रास्ता है यहाँ से। टाइम हो रहा है 10:22, और इस टाइम हम अवेलेबिलिटी देख रहे हैं सारे होटल्स की। जब हम फ़ोन करेंगे तो बताएंगे तो काफ़ी महंगा प्राइस, 2,000, 2,500, 5,000। एक भाई साहब हैं जो कि 1500 पे आ गए हैं। वो सारे टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है यहाँ पे, हॉस्टल्स भी हैं, होटल भी हैं, डेजर्ट कैंप्स भी हैं, और अलग अलग प्राइस रेंज के हैं सारे। कितने मिनट की है ये? तीन चार मिनट। कितने फुट की ऊंचाई पे है? 200 फीट। डर्ट बाइक 400 रुपये बड़ी वाली। कितने देर के लिए? एक राइड 1 किलोमीटर। हाँ जी, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं फ्री वाले सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स, सैम सैंड ड्यून्स, यही है वो जगह। पता नहीं था रिजॉर्ट हमारा पीछे रह गया, बट हम थोड़ा सा भी देखने आए हैं कि आगे और क्या क्या है। तो जो कैंप्स हैं इनका नाम है मार्विन डेजर्ट कैंप्स, एंड द प्राइस फॉर ईच टेंट इज़ 4,500 रुपीज़, जिसमें 1 night stay इंक्लूडेड है, लंच, डिनर एंड सम स्नैक्स। एक कल्चरल प्रोग्राम होगा जो कि उस तरफ होगा। दिस इज़ अवर टेंट 1 and 2, दिस बोथ आर अवर टेंट्स। मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ।
and we also have an attached washroom. It's very neat and clean. कोई complaints नहीं है. We also have a shower जिसमें गर्म ठंडा दोनों पानी आता है. दोपहर के 3:08 हो रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा गर्मी है. हम सबको अपनी अपनी जैकेट उतारनी पड़ी. इसके बाद 3:30 शेड्यूल्ड है हमारी जीप सफारी एंड कैमल राइड. सो लेट्स सी हाउ इट गोस. अच्छा एक चीज़ और, लंच में यहाँ पे प्योर वेज सर्व होता है, कड़ी दाल और पनीर की सब्जी. डिनर में पता नहीं क्या है बट जो भी होगा आई एम श्योर इट वुड बी रियली गुड. यहाँ बीच में शाम को बॉनफायर, डांस और सारी एक्टिविटीज़ होंगी. तो जीप आ गई है हमारी जीप सफारी के लिए. This is super fun. मतलब full पैसा वसूल राइड, literally very thrilling. ये राइड तो बिल्कुल highly recommended है. ठीक है ना, यहीं पे रहना और कहीं गया तो मुझे मिलोगे नहीं यार. इसके बाद होगी हमारी कैमल राइड. In the meantime, just enjoy some views. कैसी रही जीप सफारी? मस्त. और ये हमारे कैमल आ गए. बेबी मिल हमारी. Thank you.
छोटा सा बच्चा लेके जा रहा है ऊंट पे। रोको रोको बेटा रुको, रोको रोको रोको। तो अपेरेंटली यहाँ पे शूटिंग चल रही है, उसके लिए ऊंट रुकवा दिया गया है। क्रैकडाउन 2 वेब सीरीज की शूटिंग है, एक वेब सीरीज शूट करने के चक्कर में पब्लिक को रुकवा दिया। पर छोटू अपना माना नहीं, छोटू लेके चला। ये हमारा भाई बहुत बढ़िया तरीके से लेकर आया ऊंट को। नाम क्या आपका? रोशन खान। हाँ रोशन खान। हाथ मिला। ये एंट्री है रिसॉर्ट की। युद्ध हो चाहे परमाणु परीक्षण हो, ऐसी कई उपलब्धियां हैं जैसे मैंने दर्ज की हैं। उस धरती वीर भूमि पर आप पधारे, आप सभी का हमारी कैंप की जानिब से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सांगरी है, पनीर है, बाटी है, चावल है, ये रोटी है और दाल अभी। कल रात को जो डिनर था रिजॉर्ट वालों ने अरेंज करा था कि डेजर्ट के बीच में आप बॉनफायर करके डिनर कर सकते हो, तो वी डिड दैट। यहाँ पे रात को जीप सफारी दोबारा से हमने करी एंड डेजर्ट के बीचों बीच हमारा बॉनफायर एंड डिनर अरेंज हुआ। ये अंधेरा था एकदम, ठंड बहुत ज़्यादा थी, बट मज़ा आया।